ठाकुर छेले छबीला जी म्हारे घरे रमवा आई जो जी हो रमवा आई जो जे ठाकुर ओ मारा तुम्हारा बाल गोविंदा जी म्हारे घरे रमवा आई जो जी ठाकुर छेले छबीला नमस्कार मित्रों, हम हर साल प्रोग्राम करते हैं। मैंने एक आज आप मेरा परिवार हो, मैं आज कोई व्यापार के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं आपसे, आप मेरा एक परिवार हो जो मुझे आज 34,000 दर्शक फॉलो करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उसको मेरा परिवार मानता हूं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आज व्यापार की बात नहीं करते हुए आपसे एक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूं। हम हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, इस बार हमारे फादर वगैरह इसको बड़े लेवल पे करवा रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग उस प्रोग्राम से जुड़ो। ये एक नानी बाई का मायरे का प्रोग्राम है जो राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अपनी दुकान के नाम से अपनी गौशाला चलती है, एक श्री सांवलिया जी गौशाला गोविंदगढ़। तो ये हमारे एक छोटे से गांव में गोविंदगढ़ में ये प्रोग्राम होने वाला है। ये गायों की सेवा के प्रति दान वगैरह उस पुण्य के हिसाब से ये हम प्रोग्राम इस बार बड़े लेवल पे हमारे पिताश्री कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे से 34,000 दर्शक जुड़े हुए हैं, आप अगर आ सको तो हमें अपना टाइम टेबल बतावे। रहने करने की व्यवस्था भी है, अगर अपने परिवार के साथ आप आना चाहते हो तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में, एक छोटी सी जगह जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां से 30 किलोमीटर गोविंदगढ़ गांव पड़ता है। आप आ भी सकते हो, बच्चों को नीचे फोन करके भी बोल सकते हो अगर कोई आना चाहते हो। मैं चाहता हूं, गायों की सेवा का फंक्शन है, आप लोग भी जुड़ो। मैंने एक हिंदू धर्म में जन्म लिया, मैं हर समाज का हर धर्म का सम्मान करता हूं। मेरे साथ बहुत सारे व्यापारी मुस्लिम लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम 2 पैसे कमाते हैं, हिंदू भाइयों से भी कमाते हैं। मैंने अगर 2 रुपए कमाए हैं तो मैं 2 रुपए खर्च भी गौशाला में करता हूं। उन मुस्लिम भाइयों की भी दुआएं उस गौशाला में लगती है, मेरे अकेले हिंदू भाइयों के अलावा मुस्लिम भाइयों की भी लगती है। उन सब परिवार का पिछले 17 साल से लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, उन सब की वजह से ये गौशाला चल रही है। मैं अकेला इसको बोलने वाला नहीं हूँ, मैं अकेला चला रहा हूँ उसको। वो सब आप लोगों की विशेष, हम लोगों से जुड़े हुए हो, और मैंने भी एक हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मैं भी वो मेरा प्रण पूरा, मेरे फादर की इच्छा है तो वो मैं पूरा कर रहा हूँ। आस्था भजन चैनल आता है, उस पर लाइव प्रोग्राम भी आएगा। ये आप टीवी पे हर चैनल पे आता है आस्था भजन, जो 30, 31 और 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर 3:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक ये प्रोग्राम आएगा, तो आप इसको लाइव देख सकते हो सर। अगर कोई आ नहीं पाते हैं तो हमें कोई दूर से देख रहे हैं, कलकत्ता यूपी बिहार बहुत दूर है, अगर वो आ नहीं पाते हैं तो ये आस्था चैनल का लाइव, आस्था भजन चैनल है, उस पर लाइव प्रोग्राम आएगा। आप अगर उसमें जुड़ के भी देखोगे तो भी हमें खूब अच्छा लगेगा। तो हमारा ये भी एक मन की इच्छा थी कि आज मेरे परिवार के सामने मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उसके बारे में परिचित करूँ, इसलिए मैंने बोला था कि आज व्यापार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एक मेरे परिवार हो, आप मेरे घर के सदस्य हो, आपसे जुड़ना था, मन में इच्छा हुई कि आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों की वजह से ये हम आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप लोग आते हो, अगर अजमेर के, राजस्थान के कोई आजू बाजू के भी हैं, अगर कोई इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो हमें आने का बतावें कि भाई हम आना चाह रहे हैं, हम वहां पर व्यवस्था भी करेंगे उनके रहने करने की। इसी के साथ इस नए साल में नए तरीके से नई चीजों के साथ आपको जरूर मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो प्यार दिया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो भी आपका खूब खूब आभार। अपने माता पिता की हरदम सेवा करो, उनका खूब ख्याल रखो, बहुत बहुत धन्यवाद।